में पढ़ लो, तब तक पढ़ते रहो जब तक की चीजों को अपने मन मुताबिक चीजों को समझ नहीं पाते हो। और जब भी मौका मिलेगा तो किसी भी रूल को किसी बच्चे को बैठा के आप उसे समझा सको कि ये रूल क्यों है और किस टाइम और सेंस को प्रोड्यूस करेगा। इतनी हमारी समझ होनी चाहिए, पांच बार में आ जाए, तीन बार में आ जाए, और जितना बार भी पढ़िए, एक बार पढ़ के जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब समझ में आ गया है तो बिना देखे, जैसे मैं बिना देखे लिखता हूँ वैसे बिना देखे आप लिखिए, पूरे 20 लिखिएगा, पूरे 20। वैसे हमारे इसमें करीब 15-16 रूल है, 15-16 और 20 कितने हो जाएंगे, पूरे 36 को कम से कम आप 6 बार पढ़ के और एक दो बार लिखिए, और लिखते लिखते आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज टेंस में काफी कंफ्यूज हो जाएगा। ये हमारा 5 टेंस है, पॉइंट्स ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन पास्ट टेंस नंबर 1।